Hi guys, welcome to your channel Banwa Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwa. Today we are watching advanced mathematical tricks which is very important for the all competitive examinations. So friends, आज का अंक में आप सभी का स्वागत है. आज मैं खुद एक important tricks के साथ आया हूँ जो काफ़ी important है और इस trick के माध्यम से आप कोई भी तरह का multiplication मात्र 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं. जितने भी एग्जाम्स हैं जैसा कि जितने तरह का एग्जाम है, आरआरबी का है, ग्रुप डी का है, रेलवे का है, एसएससी का है, बैंकिंग का है, जितने तरह का भी एग्जाम है सब में कोई ना कोई तरह का नंबर नंबर सिस्टम मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ कोई ना कोई सवाल जरूर पूछता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. सो फ्रेंड्स, चलते हैं आज का क्या है ट्रिक्स उसके बारे में विस्तार से जानते हैं. सो देखते हैं. ट्रिक नंबर वन, इसको कैसे हम लोग तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इस मेथड को आप फॉलो करो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो. 56 और 57 को इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो. बट इसके अलावा और क्या कोई ट्रिक है क्या? तो कोई कोई स्टूडेंट लोग ऐसे हैं जिसको ऐसा भी कर सकते हैं, 56 प्लस 1 करके ऐसे कर सकते हैं. इसको सॉल्व किया जा सकता है, 15 का स्क्वायर 56 का स्क्वायर करीब करीब 3136 आएगा, प्लस 56 आ जाएगा. दोनों को जोड़ के हम लोग आसानी से कर सकते हैं. ये आपका आंसर हो गया. बट इसके अलावा और कोई क्या ट्रिक्स है? और भी ट्रिक्स हैं जिनको जो फॉर्मूला जो भी ट्रिक्स आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो. चलते हैं, नेक्स्ट ट्रिक्स क्या है. इसको बेस लेना है. सबसे पहले बेस लेना सीखे. ये क्या 50 के आसपास दो नंबर है, 50 के आसपास दो नंबर है. तो ये आपका इसमें प्लस 6 है, इसमें प्लस 7 है. तो तुरंत इसको दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करना है और साथ ही साथ इसको प्लस भी करें. दोनों काम करना है. 6 7 जा फिर 42, कितना आया 42. उसके बाद इसको दोनों को जोड़ें, 6 और 7 13 13 और बेस जो था 15 इसमें तो इसको जोड़ दें, कितना आएगा 63. 63 के बाद तुरंत इसको 1/2 से डिवाइड कर दे, कितना आएगा 3.5, 31.5. ये 42 को क्या करें, इसको वन नंबर को ले और बाकी सबको इसमें जोड़ दे, यानी 9, उसके बाद 1, ये 3. ये आपका आंसर हो गया. काफी आसान ट्रिक था. एक और क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रिक्स की ओर आगे बढ़ूंगा. 66 68, आप कोई भी तरह का नंबर 2 डिजिट का ले करके इसको सॉल्व कर सकते हो. ये 3 मेथड मैंने बताया ट्रिक्स, जो मेरा फर्स्ट मेथड था वो मेरा स्पेशली ट्रिक्स था जो काफी इम्पोर्टेंट है. तो देखते हैं इसको क्या है. इसको तुरंत बेस को मान लें, 50 सबसे पहले बेस को जरूर मान लें. ये कितना इसमें है, प्लस 16 है. इसमें कितना है, प्लस 18 है. ये तुरंत दोनों को इसको मल्टीप्लाई करें और इसको तुरंत जोड़ने की कोशिश करें. इसका तुरंत हाफ भी करना है, इसको तुरंत मल्टीप्लाई करें. दो सौ आठ इधर आ गया. इसको तुरंत इसको डिवाइड करें, वो तो 42 आ गया. इसका फर्स्ट नंबर को इसको यहाँ पे रखना है और ये 20 को इसमें जोड़ देना है, यानी कितना हो जाएगा 42 और 22, यानी 62.
और 18 34 50 में जोड़ते हैं तो 84 आ गया, 84 से उसको 1/2 इसको करें तो 42 आ जाएगा। तो 42 आने के बाद फिर इसको इसमें फिर से 42 को और 20 को दोनों को जोड़ दें, तो उसके बाद फिर से 8 को भी जोड़ दें, यानी ये आपका आंसर हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ट्रिक नंबर 2, 208 इंटू 209, इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। हम लोगों ने पहले भी सिखाया ऐसे करके, ये वाला जो एडवांस ट्रिक है ये, इसके माध्यम से कर सकते हो आप, और भी तरीका से मेथड से कर सकते हो, बट और स्पीड से करना है तो कैसे कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं इसका बेस कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। इसमें कितना प्लस है, 8, इसमें कितना है प्लस 9, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना जाएगा, 72, 72 जाएगा। फिर इसको दोनों को जोड़ दे, दो दो 9 8 17, यानी इसमें प्लस कर दे 217। अब पहले ही मैंने बताया क्या कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, इसको 100 से भागा दिया जाता है, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 टाइम्स में क्या, इसको 2 से गुणा कर दिया, यानी 434, 434, और ये आपका 72, यानी 43,472 ये आपका मल्टीप्लीकेशन आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को अच्छा से याद रखिएगा ताकि आसानी से आप इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका भी बेस करना है 200। कितना करना है, 200। बेस 200 को हमेशा याद रख, बेस को याद रखना जरूरी है, तभी ये इस तरह का उसका सोल्यूशन होगा। 50 का बेस है, 100 का बेस है, 200 का बेस है, 300 का बेस है, इस तरह का बेस को याद रखिए तभी सॉल्व होगा। चलिए जानते हैं इसका क्या है, +12। इसको दोनों को सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, जोड़ते भी है और मल्टीप्लाई करते हैं। 12 48, -48 आ गया, ठीक है। इसको 100 से तुरंत घटाना भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसको दोनों को जोड़े तो कितना आया, +8, 208, 208 को क्या करें, 2 से तुरंत गुणा कर दे, 208 208 यानी 416, 416 आ गया। और इसको तुरंत इसको घटाएं यानी कितना आएगा, 52 आएगा। कितना आएगा, 52, और 52 आ रहा है इसका तुरंत, इसको 2 का पार्ट आ रहा है ये, इस कारण से इसको तुरंत इसमें एक क्या करें, जोड़ दे, एक क्या करें, जोड़ दे, तभी एक को जोड़ना नहीं है, एक को घटाना है एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ पे 100 है ना, 100 2 0 कर लेते हैं, 2 0 को देख के लेते हैं, 1, यहाँ पे क्या करें, इसको घटा देना है, यानी 415, और ये आपका इधर आ गया 52, ये आपका आंसर हो गया, जो परफेक्ट आंसर है। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर याद रखें, इसका नोट्स जरूर तैयार करें। नेक्स्ट चलते हैं 300 का। 300 का 300 बेस कितना हो गया, 300 हो गया, ये +4 है और ये +12 है, तो इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई भी करना है और गुणा भी करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना और प्लस भी करना है। 12 48, इधर आपका आ गया 16, 16 आ गया, इसको तुरंत जोड़े 316, 316 को फिर से क्या करें, इसका बेस में 100 से भागा देते हैं, तो इसको 316 को जोड़ने पे गुणा कर देंगे, यानी 948, 948 ये इसका आपका आ गया 48, यानी इतना आपका आंसर हो गया। काफ़ी एडवांस था ट्रिक, देख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आसानी से सॉल्व हो सके। ट्रिक -315, चलिए छोटा नंबर लेते हैं, 312, इसमें कितना है, +7 है और इसमें कितना है, +12 है, इसको मल्टीप्लाई भी करना है और जोड़ना भी है। 12 7 84 आ गया इधर, 12 7 19 आ गया, 300 में इसको तुरंत जोड़े, इसका बेस 300 ही था, इसको तुरंत जोड़े 319, 319 को 3 से इसको क्या करना है, गुणा करना है, क्यों, क्योंकि ये बेस इसका 300 है, 300 क्या करते हैं 100 से भागा देते हैं, जो भी आता है रिजल्ट उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कितना आएगा, 957 आएगा, 957, और ये कितना आया, 84, यानी ये परफेक्ट आपका आंसर हो गया। कैसा रहा ट्रिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट था,
काफ़ी हम आई होप काफ़ी आपको मदद मिलेगा एग्जाम में, और आप इसको हर तरह का एग्जाम में इसको यूज कर सकते हैं, चाहे कॉमन एग्जाम हो या 10th का एग्जाम हो, नवोदय का हो, नेत्रहाट का हो, हर तरह का एग्जाम में इसको इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे छोटे बच्चे हो या सीनियर स्टूडेंट्स हो जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं PSC सेक्टर में या अदर सेक्टर में, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मात्र 5 सेकंड में इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें सभी को बेस रेट लेके चलना है, बेस नंबर लेके चलना है, या संख्या आधार संख्या को जिसका 300 है, जिसका 2 है, जिसका 50 है, 50 रहेगा तो 1/2 करना, उसमें जोड़ना है जो बेस उसको जोड़ना है, उसका ऐड पे उसका फिर उसको हाफ करना, फिर 100 से उसको मल्टीप्लाई करना है, 200 से फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, 300 से मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करते जाना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब और इसको शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच।